नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। तो दोस्तों, कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आपके लिए आ रहा है और यहाँ पर आपकी परीक्षाएं कैसे कराई जाएं, कब से होनी है और किस मोड में परीक्षाएं होंगी, इस चीज़ को लेकर मीटिंग बैठी थी और मीटिंग बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और आपके लिए एक बड़ा डिसीजन आ चुका है कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर, अपडेट को लेकर। तो यह वीडियो आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है और बहुत ही लाखों छात्रों के लिए ये जो अपडेट मैं देने वाला हूँ सभी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपडेट क्या है फटाफट मैं बता देता हूँ आपको कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 की सेमेस्टर परीक्षाओं का जो है वो ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और यहाँ पर जो आपकी सेमेस्टर की परीक्षाएं होने जा रही हैं वो 12 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, 12 मार्च से जो है वो दो पालियों में परीक्षा जो है वो कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो बच्चों के यहाँ पर काफ़ी डाउट्स है कि सर इस बार परीक्षा हमारी कैसे कराई जाएंगी, किस मोड में कराई जाएंगी। तो जो यहाँ पर सर्वसम्मति से एक बड़ा डिसीजन आया है यूनिवर्सिटी ने किया है वो ये किया है भाई कि आपकी जो इस बार परीक्षा होने जा रही है वो ऑफलाइन मोड में होगी। कैसे होगी? ऑफलाइन मोड में। और विश्वविद्यालय जो प्रशासन है उसका जो विस्तृत जो कार्यक्रम है, परीक्षा कार्यक्रम है, वो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस वर्ष जो है बीसम सेमेस्टर के तकरीबन 1,20,000 छात्र छात्राएं भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पहले दिन जो है BLLB की परीक्षाएं होंगी और परीक्षा का जो समापन होने वाला है वो आपका 27 मार्च को होगा। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने बताया है कि जो नया सत्र में प्रवेश लेने वालों के छात्रों को जो है परीक्षा में प्रणाली में बदलाव किया गया है और इसलिए प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की जो है परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी, वही तृतीय, पंचम, सप्तम एवं नवें सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं वो पूर्व की भांति होंगी। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन यहाँ पर आप लोग के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए आ रहा है कि भाई वाली है वो आपकी 12 मार्च से बीसम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और उसके साथ जो आपकी पहली परीक्षा होगी वो पहले दिन BLLB की परीक्षा होगी और लास्ट पेपर जो आपका होगा वो 27 मार्च का होगा, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी तो यहाँ पर मैंने आपको अपडेट शेयर कर दी और जो भी परीक्षा कार्यक्रम आप चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर पूरी डिटेल का जो है वो नोटिफिकेशन उसका जो है डेट शीट उसको वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड। दोस्तों, ये अपडेट कहाँ की आ रही है इसको जान लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये अपडेट फाइनली आ रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी जो आप पहले जानते थे, उनकी तरफ से अपडेट आ रही है कि 12 मार्च से आपकी बीसम सेमेस्टर की परीक्षाएं होने जा रही है और बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं बाद में कराई जाएंगी। तो आप पूरी जो है नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।